इंग्लैंड में कोई कल्चर है नहीं, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअली भारतीय कल्चर जो इतना ऐतिहासिक है, पौराणिक है, उसे कल्चर बोलते हैं। कल्चर आजकल है नहीं, इंडिया में भी बहुत तेज़ रफ्तार से गुम हो रहा है कल्चर। हम अभी भी है ऑब्वियसली यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली इंग्लैंड में देखा जाए तो आप आजकल बस आधुनिकता में सब पड़े हैं, और उसमें देखा जाए तो माता पिता को रखना, यू नो, फैमिली यूनिट होना, ये सब बाकी नहीं रहा। अब तो बहुत कम लोग इसमें मानते हैं, तो इसलिए हम वापस आते रहते हैं कि कल्चर थोड़ा महसूस हो भारत में। एक्चुअली आकर ऐसे लगता है कि एक्चुअली अभी भी है कल्चर, सो या उसका कोई। इंग्लैंड में रहती हैं, ऐसा इस माटी में क्या है, ब्रज की माटी में, जो आपको बार बार खींच लाता है यहाँ पर? पता नहीं, आप बताइए क्या मैजिक है ठाकुर जी की, क्या मतलब यू नो अमेजिंग उनकी कृपा है, कुछ ना कुछ तो है ही। लेकिन यहाँ पर जैसे हम अलाइव हैं, जान है, बाहर जाकर ये ब्रिज को छोड़कर ही तुरंत जो क्या कहते हैं, इतना हैवीनेस फील होता है, कलयुग का प्रभाव बोल सकते हैं, आधुनिकता का प्रभाव, जो नास्तिकता का प्रभाव है, वो इतना रेवती, वी गोना गो गेट, यू वांट गो गेट लॉलीपॉप लेटर, उसका प्रभाव बहुत हैवी है। तो इसलिए ब्रज की माटी में ये जो आस्तिकता है, जो हम तपस्या कह सकते, उसी के लिए आते हैं कि हमें ठाकुर जी के दर्शन हो और यही संस्कार और सनातन धर्म का महसूस हो, क्योंकि बाहर तो है नहीं। हम लेके जाते हैं जितना हो सके उतना, और ट्राई कर रहे हैं कि जारी रखें हमारे परिवार में और बांटें। वहाँ पर भी हम थोड़ा प्रचार करने में कोशिश करते हैं कि दूसरे को इंकरेज करें कि इसे ना ठुकराएं, हमारा जो एंशिएंट कल्चर है, ये वैदिक कल्चर, उसका देयर इज नो कंपैरिजन, उसके लिए कोई क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम ये वेस्टर्न कल्चर को अगर फॉलो करते रहेंगे तो बस खाली खाली हो जाएंगे, अंदर से खाली रहेगा। इंग्लैंड में ड्रेस अलग पहनते होंगे, लेकिन यहाँ आप पूरी तरीके साड़ी पहनकर, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनकर, ऐसे लगता है कि मतलब अभी यू नो कुछ त्यौहार है, नहीं तो फिर बस काला ग्रे ग्रे पहनते वहाँ पर, क्योंकि ठंडी इतनी रहती है तो कोट पहनते पूरा दिन लगभग, तो यहाँ पर मन लगता है। लेकिन वहाँ पर भी हम साड़ी पहनते हैं, और हमारा यू नो वैदिक कपड़े पहनते हैं, एक्चुअली साड़ी पहनते रहते हैं, और या स्कर्ट या ऐसे कुछ, जितना हो सके उतना। माथे पे आपने जो चंदन लगा रखा है, वहाँ भी लगाती हैं? ज़्यादातर लगाते रहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो देखो, मुसलमान कभी ऐसे सोचता नहीं है कि मैं क्यों बुरखा पहनूँ, मैं क्यों ये टोपी पहनूँ। सिर्फ हिंदू लोग मतलब डरते हैं, या मेरे को कई हिंदू खुद बोलते कि आप क्यों लगाती हो, बड़ा शो क्यों करती हो, क्या क्या ज़रूरत है आपको शो करना, अपना आस्था को दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक्चुअली गर्व से हम दिखाते हैं, अगर कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई आर्मी वाला हो तो गर्व से अपने सारे मेडल्स दिखाता है, क्यों कि मैं आर्मी वाला हूँ। तो हम भगवान के हैं, ये उनका चिन्ह है, उनका मतलब हमने जो समर्पण किया है उनको, ये एक थोड़ा बस हम क्यों ना दिखाएं, गर्व से दिखाएंगे कि हम ठाकुर जी के हैं, उससे मतलब प्रोटेक्शन मिलता है। ऑनेस्टली मतलब ऐसे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है कि लगाया हुआ है, कि भगवान हमारे साथ हैं, वो तो है ही हमेशा, लेकिन थोड़ा जैसे हम सिंदूर लगाते हैं अपने पति के लिए, तो भगवान के लिए क्यों ना लगाए, और वो उससे इंटिमेसी लगती है भगवान के साथ, तो उस प्रोटेक्शन भी बहुत महसूस होता है कि नेगेटिवता मतलब जो नेगेटिव है वो एनर्जी थोड़ा दूर रहे। तो क्या करती हैं आप इंग्लैंड में, क्या काम करते हैं? मैं एक्चुअली पार्ट टाइम, मेरे चार बच्चे हैं, आज दो है, दो घर पे अभी, और तो पार्ट टाइम मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ उन्हीं के स्कूल में, वहाँ पर एक कृष्णा अवंती करके लोकल स्कूल है इंग्लैंड में, और एक्चुअली सरकारी स्कूल है, सरकार पैसे देती है, लेकिन हिंदू फेथ स्कूल है, तो मोस्टली हिंदूज जाते हैं वहाँ पर, और संस्कृत, योगा, सब वेजिटेरियन खाना, एकादशी का खाना होता है वहाँ पर, तो बच्चे लोग वहीं पढ़ते हैं, और मैं वहाँ पर संस्कृत पढ़ाती हूँ उनके प्राइमरी स्कूल में पार्ट टाइम। गीता भागवत भी आप पढ़ती होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके उतना गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता, भगवत गीता, यू गो टू भगवत गीता क्लासेस एवरी डे, वहाँ पर जो इन लोग का ग्रुप किया हुआ है बच्चों का, और वो रोज़ भगवत गीता क्लासेस में जाता है, थोड़ा हिंदी कम समझता है तो मना कर रहा है। तो कोई आप
आपको भजन या कोई याद है कुछ गा सके? भजन तो आई मीन आज रामनवमी है तो रघुपति राघव रामनवमी है श्री राम जी को याद करें सॉरी हाँ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय हो हरे कृष्णा। देखिए बात करें इंग्लैंड की, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर सिर्फ धार्मिकता है तो कुछ अलग लगता है? तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं विदेश में लेकिन उसका क्या फ़ायदा अगर दिल छोटा हो, मन में शांति ना हो, अंदर सुख ना हो, हृदय में मतलब प्रेम ना हो, तो ये एक्चुअली ये सारी जो चीज़ें हैं प्रेम और निर्मलता, और ये एक्चुअली सिर्फ भगवान में वो जो हम तपस्या करते हैं दया दान ये सब क्वालिटीज़ कल्टिवेट करते हैं वो इसी तरह आ सकता है, ये कल्चर से, वैदिक कल्चर से ही आ सकता है एक्चुअली देखा जाए। किसी की सेवा करें, थोड़ा ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करें, नहीं तो फिर ये बड़ी बड़ी इमारतें फिर यू नो से क्या कुछ काम के नहीं है, वन सेंस काम के है लेकिन फिर उसका इस्तेमाल दुरुपयोग होगा।